यस फ्रेंड्स, चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट नाउ स्पेंड्स रुपीज 90 पर किलोमीटर ऑन टैक्सी फेयर्स फॉर हिज क्लाइंट्स, बट ही इज कंसीडरिंग टू अदर अल्टरनेटिव्स टू परचेज अ स्मॉल न्यू कार और एन ओल्ड बिगर कार। परचेजेस प्राइस दे रखी है, सेल प्राइस, रिपेयर मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, पेट्रोल कंजम्पशन, पेट्रोल प्राइस दे रखे हैं। He estimated that he does 10,000 km annually. Which of the three alternative will be cheaper? If he practice expand, he has to do 19,000 km per annum. Which is cheaper? Okay. पहले केस में तो ये क्वेश्चन यहीं तक है, ये दूसरा है। पहले केस में वो कह रहे हैं 10,000 किलोमीटर में, ऑप्शन बताइए। दूसरे केस में अगर उसकी प्रैक्टिस मैं कंजम्पशन 10,000 से 19,000 किलोमीटर होने लगे तब, और तीसरे विच कॉस्ट ऑफ द टू कार ब्रेक इवन एंड व्हाई, इग्नोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सिंपल प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग की, चलिए करते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, पहले केस में हम टैक्सी, दूसरे केस में स्मॉल कार और तीसरे केस में बिगर कार, ठीक है। फिक्स कॉस्ट या स्टैंडिंग कॉस्ट देखेंगे, तो डेप्रिशिएशन इसमें तो कुछ लगना नहीं है टैक्सी में। अगर मैं स्मॉल कार लेता हूं तो 5 ईयर्स की लाइफ है इनकी, तो डेप्रिशिएशन आएगा 35,000 माइनस 19,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। कितना आएगा? 3,200। ऐसे ही ओल्ड बिगर कार में 20,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा हमारा 1,600 रुपये। दूसरा, डेप्रिशिएशन के बाद हमारी पर एनम के जो खर्चे हैं वो है रिपेयर और टैक्स, तो रिपेयर इसमें 1,000 की है और टैक्स 1,700 के, इसमें रिपेयर 1,200 की है और 700 की है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो पेट्रोल कॉस्ट पर किलोमीटर, इसमें हमको लगेंगे 90 पैसे। इसमें देखिए पेट्रोल कंजम्पशन है 3.5 रुपए का और 10 किलोमीटर चलती है, तो ये 35, और इसमें 3.5 रुपए में ये 7 किलोमीटर चलेगी, तो ये 50। यहां तक का टोटल कर लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 10,000 किलोमीटर, तो इसमें 9,000, इसमें 3,500, इसमें 5,000। ये ए है, ये बी है, तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है मुझे
ए प्लस बी क्यूब 9000, 9400, 8500, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में मेरे लिए कौन सा बेटर है? बिगर कार बेटर है। दूसरा, एट 10,000 किलोमीटर्स बिगर ओल्ड कार इज चीपर। दूसरा बोला गया था एट 19,000 किलोमीटर। अब अगर 19,000 किलोमीटर होता है तो मेरी जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 19,000 इंटू 0.9, 5,900 प्लस 19,000 इंटू 0.35, 3,500 प्लस 19,000 इंटू 0.5, तो इस केस में आएगी 17,100, ये 12,550 और ये 13,000। इन दिस केस न्यू स्मॉल कार इज चीपर। अब हम तीसरा बात करते हैं। इन्होंने बोला विल कॉस्ट ऑफ टू कार ब्रेक इवन इन वाई, तो उसको कहते हैं हम इंडिफरेंस पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इनडिफरेंस पॉइंट। लेट द इनडिफरेंस पॉइंट इज एक्स यूनिट। सो एट इनडिफरेंस पॉइंट कॉस्ट ऑफ बोथ कार सेम होगी, दैट इज 510 और x इज इक्वल टू आएगा 16,000 किलोमीटर। सो कॉस्ट ऑफ टू कार would be same at 16,000 kilometer. Number two, cost taxi और bigger car में अगर हम comparison करें तो देखिए टैक्सी की कॉस्ट क्या थी और बिगर कार की कॉस्ट क्या थी? एक्स इक्वल टू आएगा इसमें और तीसरा इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ये आएगा 0.90 एक्स इज इक्वल टू 5,900 प्लस 0.35 एक्स, दैट इज 10727 किलोमीटर। तो तीनों ही केसेस में मैंने इंडिफरेंस पॉइंट निकाल दिया,
वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।